जम्मू नगर निगम के वार्ड कितने हैं स्मार्ट, ये हम आपको हर दिन दिखाते हैं। हर दिन कोई ना कोई वार्ड पे हम आपको लेके चलते हैं। आज हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 14 में। भगवती नगर महेंद्र नगर का इलाका आता है। अमरनाथ बेस कैंप भी इसी वार्ड में आता है और बहुत अच्छे अच्छे रिहायशी एरिया भी हैं और बहुत ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर बहुत सारे तंग गलियाँ हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ समस्याओं को वो झेल रहे हैं और जो नुमाइंदे उन्होंने चुन के भेजे हैं क्या उनकी बात सुनते हैं। आइए चलते हैं। वार्ड नंबर 14 की मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पर एक नाला एक समय में खुला था और जब बना ये नाला तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन ये नाले बनने से कुछ परिवारों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। मैं घर में हूँ जिनके घर में हर साल पानी घुसता है। आप हाइट देख लीजिए, मैं यहाँ पर हूँ और जब यहाँ से नीचे देखो ये घर है एक, और इन परिवार पे हर साल इनके अंदर पानी आना ही आना है। और वजह यह है नाला इस तरह से बनाया गया है और क्योंकि नाला इतनी ऊंचाई पे बना दिया गया कि इनका घर नीचे हो गया और यहाँ पर ये पूरा पानी भरा होता है। हर साल पानी आता है सर? हर साल नहीं, जिले बरखा बरदी ना तो समझ लो छोटी बरखा बरे ना हर टाइम पानी अंदर आएगा। मुख्य वजह क्या है? स्लोप नहीं है नालियाँ सर? कोई नहीं है, ये नाला बस ये नाला ही चाहिए नहीं, ये DVN वाले पाए अपनी मर्जी ने। ये वजीर साहब ने बेचे दा इस जगह बेच दिया। सानू देखो सानू दिखे दा और आपको मैं दिखाऊंगा। और देखो ये है इससे भी नीचे कमरे हैं, इससे भी डाउन में है। और उससे ऊपर ऊपर दीवार देख रहे हैं नाला चल रहा है। अच्छा आप देखो वहाँ पर सेज जलाती है। हाँ। पानी जब बहता वहाँ से भी पानी आता है। हाँ। हम क्या करेंगे, गरीब आदमी मर गया ना। कॉर्पोरेटर से इसको लेकर बात की थी, कोई सोल्यूशन? कॉर्पोरेटर साहब से मैंने बात की थी, कबाई साहब से। कबाई साहब ने मुझे बोला ये गली हम करेंगे नाला बनाएंगे। उन्होंने सर कोई एक्शन नहीं लिया। कितना टाइम हो गया बोले हुए? मुझे सर इन्हें 4 महीने हो गए, 5 महीने। ये जो आप सामने सुराख देख रहे हैं, अगर ये सुराख बंद ना करें, वो गेट है, ये सुराख अगर बंद ना करें वो गेट से पानी अंदर आता है, गाय यहाँ डूब जाती हैं। ये माल मवेशी हैं, मुँह से नहीं बोलेंगे। कपाई साहब का इतना फर्ज बनता है कि मैं नाले को कुछ ना कुछ करूँगा, कंसल्ट करूँ या बड़ा करूँगा, मगर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। अगर चलो कोई नहीं करा, गाड़ी तो बनाओ, एक तो जी एक्शन लो। हर साल बारिश आती है, हर साल इनका घर जो है वो पानी में डूब जाता है। और स्टेप देख लीजिए आप, ये गेट हमने खोला है, ये पहला स्टेप, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, फिर जाके गली है। तो इस वजह से इनके घर में हर साल पानी आता है। और जो गुस्सा इन्होंने दिखाया है, ये गुस्सा इसलिए है कि माल मवेशी भी डूबते हैं, कमरे भी डूब जाते हैं, हर साल सामान भी खराब होता है। ये कोई गांव देहात नहीं है, कोई दूर दराज का फार फ्लंग एरिया नहीं है। ये भगवती नगर वार्ड नंबर 14 है और यहाँ पर जो ईंटें डाली हुई हैं, ये ईंटें इसलिए डाली हैं गली वालों ने, यहाँ गड्ढे थे बड़े बड़े, ब्लैक टॉपिंग जो कि सड़क बोला जाता है, काली सड़क, उसको डले हुए यहाँ पे बहुत वक्त हो गया। पीछे इलाके तक शायद डली होगी, लेकिन उसके बाद ये पैच छोड़ दिया, काफ़ी लंबे वक्त से बना नहीं। नालियों का पानी घरों में घुसता है, खड्डे हो गए थे और यहाँ पे इनकी बुजुर्गों की दुकान भी है। सर क्या नाम है आपका? जसपाल सिंह। जसपाल सिंह जी, ये कितने आपने ये ईंटें कितने समय क्यों डाली यहाँ पर? ये जी इधर पानी खड़ा होता था, गाड़ियाँ आती थी तो वो सीटें पड़ती, कभी इधर पड़ती, उधर पड़ती थी। हाँ, इसीलिए हमने ये गटा डाला। सड़क बने कितनी देर? सड़क हुई कितने देर? आइडिया हो गया 7-8 महीने हो गया, साल ही हो गया हमारा। गर्मी की वजह का डली थी यहाँ पर, इधर नहीं डली है, पीछे पीछे डली, जो कश्मीरियों का मल्ला ना वो पीछे उतनी डली, पीछे भी यही हाल है। अच्छा, वो भी सड़क आगे चलते पीछे वो उनका भी यही हाल है। नालियों की बड़ी बुरी हालत है, ड्यूटियाँ रोज करवाते हैं, डेली खुद ही निकालते, खुद हमने रखा इधर, खुद निकालते हो? खुद निकाल के फिर करते हैं, जो आते हैं उसको बोलते हैं करो, तो वो सफाई करते नहीं है, बोल जाते हैं हाँ करते करते। हाँ। लेकिन नहीं करते। मतलब जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहती है जी हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, हम तो जम्मू साफ को क्या है, कॉर्पोरेशन जो मर्जी कहती रहे, लेकिन लोगों को तक पहुंचना चाहिए ना। लोग तो लोग तरफ तरफ के मर गए, कभी कहीं यहाँ कभी कहीं यहाँ, तो किसको बोलना? कॉर्पोरेटर नहीं सुनता। कॉर्पोरेटर आता है देखता, अगले महीने बनेगा, मार्च महीने बना, अप्रैल भी लग गया, मई भी लग गया, जुलाई आ गया। हाँ, जुलाई आ गया, हूँ किस आगे सर्दी आ जानी है। अरे लोग इतने दुखी हो गए, बोलना ही बंद कर दिया, तो फिर क्या करना है फिर भाई साहब? फिर ऐसा ही है ना, अपना काम आप ही करो, खुद करो। ये जो सड़क की आप हालत देख रहे हैं, आपको ऐसे देख के लग रहा होगा शायद पता नहीं कितने समय से यहाँ ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, लेकिन हैरानगी होगी ये सुनकर 4 महीने पहले ये यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई थी और 4 महीने में ही सड़क बिल्कुल रही नहीं है। जो ब्लैक टॉपिंग ऊपर हुई थी, ये सड़क पे देखिए ये लेयर थी
और नीचे वाली लेयर दोबारा बाहर निकल गई है, और कहाँ है जो ब्लैक टॉपिंग, सारी जो जो सड़क है ब्लैक टॉपिंग की हुई है वो उखड़ गई है, चार महीने पहले पड़ी है और सड़क बिल्कुल उखड़ गई है सारी, बिल्कुल ही मतलब इस तरह की लुक डली है कि वो निकलेगी पत्थर रह गए सारी, बिल्कुल पत्थर पत्थर ही है, साफ ही नहीं होती है, हम खुद पानी पानी निकाल के फिर थोड़ी साफ कर देते हैं लेकिन साफ नहीं होती बिल्कुल ही। देखने तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कब से शायद सड़क पड़ी है, कोई तीन चार महीने पहले पड़ी है। जब ये डाल रहे थे आप लोग देख रहे थे कैसा मटीरियल डाल रहे थे, उसी टाइम देखा हमने बोला कि अच्छी नहीं पड़ी है लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो मशीन से डाल रहे थे या मैनुअली हाथ से डाल रहे थे? हाथ से डाल रहे थे। हाँ से। और मतलब जब ये डली थी उसके कितने दिन के बाद ये उखड़ना शुरू हुआ? दूसरे दिन ही, उसी दिन ही, दूसरे दिन ही। और क्या उखड़ना शुरू हुई थी उससे उखड़ना शुरू। और फिर मतलब आपने इसको बोला नहीं अपने कॉर्पोरेटर को कि ये किस तरह का काम बोला, हुआ है? बड़ी बार बोला। क्या बोलते हुए? वो कुछ नहीं बोला, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कुछ ना, ना। मतलब एक कान से सुनी दूसरे कान से बात निकाल दिए। क्या बात, आप लोगों ने वोट नहीं दिए हुए? वोट तो और किसको देने, वही नहीं वो दिए वोट किसको देने? अगर नुमाइंदे हो तो नुमाइंदे सुनते हैं, वोट तो दिए नहीं, नहीं कोई नहीं सुनता। ये कब से पड़ी है? पानी की कोई समस्या यहाँ पर नहीं? पानी ठीक है, पानी ठीक है। बिजली की? बिजली की बिजली भी ठीक है। लाइट्स वगैरह आपकी स्ट्रीट साइड लगी चलती है? हाँ चलती है। जब खराब हो जाती है फिर कितने दिन के बाद बदल देते हैं? बदल देते हैं दो तीन दिन के बाद। ये हालत है सड़कों की, नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, और क्योंकि ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये पूरा, ये देखिए ये हालत है। और ये जब बता रहे थे कि जब इन्होंने सड़क डाली यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग हुई तो दूसरे दिन ही उखड़ना शुरू हो गई। मैडम क्या नाम है आपका? लता देवी। आपके इधर बाहर सड़क भी टूटी हुई है और स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगी हुई हैं, लगी हैं जो खराब हो गई हुई हैं, कितनी देर से ये समस्या? ये कब से है, हम बोलते हैं जो लगाते नहीं है। देखो हमारी नालियाँ देखो गंदी हैं सारी जी। अगर उनको बोलो कि साफ करो, बोलते हैं हमको पैसे दो। ये कौन बोलता है पैसे दो? जो मतलब इधर लगे म्यूनसिपैलिटी वाले, म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं वो बोलते हैं? वो तो आते हैं, वो मांगते हैं, पर्ची भी काटते हैं, लेकिन हमने एक बारी दी, दोबारा नहीं दिया पैसे। मतलब क्योंकि वो सफाई नहीं करते इसलिए नहीं दी या क्या? करते नहीं है सफाई, अगर सफाई करवाए तो पैसे लेते हैं, तो कहते हैं 100-100 रुपया सारे एक एक मतलब घर का दो तो पैसे दो तो फिर हम करेंगे। डोर कलेक्शन के लिए कूड़ा आपके उठाने आते हैं, लेने आते हैं? ऑटो आता है? नहीं आता। बेसिकली उसके लिए लेते हैं वो 100 रुपया की जो कूड़ा आता है, मतलब कूड़ा तो उठाएं हम, लगाएंगे डस्टबिन लगाए तो हम मतलब लगाएंगे। अगर आप हमारी गलियां नहीं साफ करोगे, नालियां नहीं साफ करोगे तो फिर हम क्यों देंगे? पीने के पानी की क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है, एक तीसरे दिन पानी आता वो भी गंदा आता, अगर छोड़ेंगे तो आधा घंटा छोड़ेंगे, उसके बाद बंद कर देते हैं। आगे घंटा घंटा पानी आता था, अब पीने के लिए भी पूरा नहीं हो रहा, कपड़े कैसे धोने, नहाना कैसे है। आप लोग इकट्ठा होकर कॉर्पोरेटर के पास गए मिलके कि चलो मिलके जाके बात नहीं करता, घर में क्या करेगा? वो वजह क्या है आपके लोगों, इसी इलाके के लोगों के साथ क्या कुछ पता? बोलता मैं आपके वोटों से थोड़े बनाऊं। अच्छा ऐसे बोलता। अच्छा। मैंने बोला था मैं सर आपके आपको हम वोट डालते हैं, आपने ही काम करना किसने करना? हाँ। तो बोलते हैं मैं वोटों के लिए नहीं काम कर रहा। मैडम क्या नाम है थोड़ा? आशा देवी। आशा जी कितनी देर हो ये जंगले जुगले लाए रहे थे? काफी शेर लगे थे पर कोई फायदा नहीं है। जंगले लोग तां लांदे ने जंगले पुट्टी उसी साफ भी करने वाला कड़ना हुंदा है, ये कदे कदे साफ करदे ने ते नहीं ते नहीं करदे, ते पानी ते लक लक चढ़ी जांदा लोकें दे घरे भी जांदा, जिन्ने भी जंगले हैं सारे गै खराब ने। अच्छा दिखी लो तुस, पहले ते बड़ी बुरी हालत थी, वैसे हुन कुछ ना ठीक कर लिया कपाई ने। नहीं हां जी जंगले पुट्टदे ही पुट्टी अंदर थल्लू मलवा कड़दे ने विच कड़दे ने कदे कदे हां कदे कदे करदे, जे बरसातां बड़ी ज्यादा आंदी ने ते पानी निकलदा बाहर, पानी बुरा हाल लोकें दे अंदर बड़ी जांदा। अच्छा तो कोई पुछ प्रतीत है नहीं। तुहाड़े इलाके इत्थे वी नाला आ रहा बड़ा, इधरों भी नाला आ रहा, सारा पानी पानी सारा बढ़ता, जिन्ना भी है भगवित नगर सारा गै पानी जांदा जे घरे लोकें दे, मकानें भी नुकसान होंदा फिर। हाँ जी लोकें दे समान के बिल्कुल सजी जांदा, कोई चीज़ नहीं बचदी, खाने आड़ी के कपड़े लत्ता जो भी है लख लख पानी चढ़ी जांदा। बड़े सारे लोकें भी शिकायत दी कि भाई ओ आखदे ने तुसें मी वोट नहीं दित्ता ते मैं तुहाडे काम नहीं करना, ओ आखदे भाई असें पैसे दिए बने दे आ। अच्छा हां तुहाडे लाके आइए इस एक मतलब प्रचार करदे ना, असें बंदा नहीं है कॉर्पोरेटर ना, सारे दे कॉर्पोरेटर ना पूरे, ओ ते है। देखो जी कोई भी काम, देखो बिजली नहीं है लै लोकें, बच्चे छोटे छोटे बच्चे तड़पा दे पानी, इयां थोड़ी पानी मच्छी तड़पदी ना इयां बच्चे तड़पा दे, केह फायदा गवर्नमेंट किस वास्ते आया, मसला नहीं हल करते।
बत्ती देखो बार बार कट दे आ दे क्यों दे आ दे नहीं पर ये आख दे ना जम्मू बड़ा स्मार्ट बना रहे हैं सोना कोई स्मार्ट नहीं है जला बनो देखे जाओ फिलहाल तक नरक पैदा वार्ड नंबर 14 में हम हर जगह गए और कोई ऐसी हमें गली नहीं मिली जहां पर लोगों ने ये ना कहा हो कि हमें परेशानी नहीं है कहीं नालियों की कहीं सड़कों की कहीं ब्लैक टॉपिंग की कहीं पर तो ये बोला गया कि आपने हमें वोट नहीं दिए हैं तो हम आपका काम क्यों करें ऐसे लोगों ने कहा। वार्ड नंबर 14 ये भगवती नगर मोहिंद्र नगर का इलाका आता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर उम्मीद यही करते थे कि जब कॉरपोरेशन के चुनाव 13 साल के बाद हुए और कॉरपोरेटर चुन के आए तो यकीनन वो उनके इलाके का जो है वो उसे अच्छा बनाएंगे साफ़ सुथरा बनाएंगे। बुरी हालत, लोग बहुत परेशान, कई लोग तो इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में उन्होंने बात करी कि लग रहा था कि शायद वो अपना आपा खोल के कहीं कुछ करना बैठे। ये भी इस तरह से उनके कुछ दृश्य दिखे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने शिकायत की कि उनके इलाके में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, पीने के पानी की, ब्लैक टॉपिंग की, टाइलें उखड़ी हैं उसकी, बिजली की, साफ़ सफाई की, ड्रेनेज की, सारी समस्याएँ हैं, पर समस्याएँ हल करने वाला कोई नहीं है। इलेक्शन हुए 3 साल बीत गए हैं लेकिन लोग आज भी बुरी हालत में जीने को मजबूर हैं। हालाँकि लोगों के सवालों के लिए हमने यहाँ के जो लोकल कॉरपोरेटर हैं उनसे भी बात करने का प्रयास किया, उनको कॉल भी किया लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की, कॉरपोरेटर ने फ़ोन नहीं उठाया, जिस कारण बहुत सारे सवाल लोगों के उन तक जो जाने थे वो पहुँच नहीं पाए। हालांकि अगर जवाब देते वो तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आना यकीनन ये साबित करता है कि वो लोगों की परेशानियों से दो चार हैं और उनके पता है कि उनके पास जवाब देने को नहीं है। वृजनेश शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, हर से टाइम जम्मू।